हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डिफरेंट ज्ञान चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता होगा कि आसाम पुलिस कमांडो बटालियन पे भर्ती होने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जा रहा है। तो ऑलरेडी 15 तारीख यानी पिछले दिन इंटरव्यू हो चुका है बहुत सारे जगह पे, यानी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पे ऑलरेडी साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया गया है बहुत सारे कैंडिडेट का। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट किस तरह लिया जा रहा है, किस तरह हो रहा है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर लिया जा रहा है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आप लोगों के साथ पिछले वाले वीडियो पे। ओके, तो वही सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा शायद। तो व्यूअर्स, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं इसी वीडियो के द्वारा नॉलेज देते रहूँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए एंड ध्यान से सुनिए। ओके, एंड अगर आप लोगों ने इसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके व्यूअर्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट आप लोगों को सीनियर ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर एंड पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिया जाएगा, जो एडवर्टाइजमेंट पे दिया गया है आप लोग जानते होंगे। तो ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट साइकोमेट्रिक टेस्ट दे चुके हैं आप लोगों को पता है। एंड तो मैं आपको इसी वीडियो के द्वारा बहुत सारे नॉलेज मैं देने वाला हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। तो आप लोग ध्यान से सुनिए वीडियो को, और ऑलरेडी सब्जेक्ट भी दे दिया गया है, उस सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए आप लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपका टेस्ट सुबह लिया जा रहा है यानी सुबह 8 बजे एंट्री है आप लोगों का, तो रूम पे एंटर होने से पहले आप परमिशन लीजिए, जैसे कि मे आई कम इन सर। जिस तरह हम लोग कोई भी ऑफिस या सीनियर रूम सीनियर के रूम पे एंटर होने से पहले हम लोग परमिशन लेते हैं मे आई कम इन सर बोल के, ओके, सेम उसी तरह आप लोग परमिशन लेना व्यूअर्स। एंड और जितना भी यहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए हैं सबका गुड मॉर्निंग विश करना, अदरवाइज जय हिंद सर बोल सकते हो आप। इसके बाद अगर चेयर सामने रखा हुआ है तो बैठने के लिए अगर दिया जाए तो आप लोग बैठना, विदाउट परमिशन के बिना आप लोग नहीं बैठना चेयर पे। ओके, सेम उसी तरह इवनिंग टाइम हो तो आप इस तरह बोलना जिस तरह मैंने बोला है। ओके, तो व्यूअर्स, पहले वहाँ पे एंटर होने के बाद आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है कि आपका लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल हो, हिंदी, बंगाली, आसामीस, ये भी पूछा जा सकता है। तब आप लोग लैंग्वेज चॉइस कर लेना। उसके बाद बोला भी जा सकता है कि आपके बारे में कुछ बोलिए, तब आप अपने बारे में कुछ बोल देना व्यूअर्स। ओके, आप क्या करते हो, इसके बारे में आपका नाम क्या है आप लोग बोल देना। ओके, ये भी बोल सकते हो। और अगर आपको बोला जाए कि आपका नाम क्या है तभी आप अपना नाम ही बोलना। ओके व्यूअर्स, और पूरा डिटेल्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके बारे में कुछ बोलिए तभी आप पूरा डिटेल्स बोल सकते हो। जब आपको पूछा जाए कि आपके नाम क्या है तभी ओनली फॉर आपका नाम ही बोलना व्यूअर्स। कोई कोई क्या करते हैं, पूरा डिटेल्स पूरा लंबा चौड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, इसके बाद आप लोगों को पूछा भी जा सकता है आप कहाँ से आए हो, घर कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे, ये भी पूछा जा सकता है। आप नॉर्मली आप जवाब देते रहना व्यूअर्स। ओके, एंड अपना बिहेवियर अच्छी तरह से, साउंड क्वालिटी अच्छा रखना चाहिए व्यूअर्स, वहाँ पे अपना साउंड क्वालिटी सही रखना। ओके व्यूअर्स, एंड और भी आप लोगों को पूछा जाता है, जब आपको पूछा आपको बोला जाएगा कि आपका घर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे, तो भी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में आपके घर के सामने अगर मैं आपको ड्यूटी लगा दिया, आपको ड्यूटी गिर भी सकता है वहाँ पे ड्यूटी लगा दिया, तब आप क्या करोगे, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कुछ तो आप जवाब देंगे जरूर, मुझे पता है। उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपका घर का नज़दीक आपको ड्यूटी गिरा है एंड वहाँ पे कुछ सिचुएशन की वजह से लाठी चार्ज करना पड़ा है, तब आप क्या करो, क्योंकि वहाँ पे अपने ही लोग हैं, आपका घर का नज़दीक आपके घर के लोग, अपने आसपास के पड़ोसी लोग यहाँ पे हैं, तो आपको बोला जाएगा लाठी चार्ज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उन लोगों को मारोगे या नहीं मारोगे, क्योंकि आपका घर का नज़दीक पड़ोसी लोग है, आपका फ्रेंड्स है, तब आप क्या करोगे। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्फ्यूशियबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्यूअर्स। ओके, तो आप जवाब सही तरह से देना व्यूअर्स, क्योंकि आपके जवाब के ऊपर आपका मार्क। तो व्यूअर्स, इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्यूअर्स, अच्छी तरह से आप लोग जवाब देना व्यूअर्स, एंड अपना जो साउंड क्वालिटी सही रखना व्यूअर्स। ओके, तो इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज जरूर करना व्यूअर्स।
एंड फ्रेंड्स, मैं छोटा सा वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाया है, तो आज का वीडियो बस इतना तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और कुछ बोलते जाऊंगा। व्यूअर्स, आप लोग सुनते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना व्यूअर्स, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।